हेलो हाय आदाब, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में। जो हाइपरटेंशन है इज़ अ टेक्निकल टर्म, इसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जहाँ तक बात सही है, जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन ये है कि ब्लड प्रेशर है क्या? जैसे ब्लड हमारी आर्टरीज में यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता है, दौड़ते समय जो प्रेशर क्रिएट होता है हार्ट के वॉल्व के थ्रू, यही ब्लड प्रेशर कहलाता है। जो रीडिंग आप देखते हैं ब्लड प्रेशर की, वो एक स्लैश के थ्रू बीच से कटी हुई होती है, ऊपर की तरफ लिखी होती है उसको सिस्टोलिक कहते हैं, और जो नीचे की तरफ लिखी होती है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। नाउ जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसे ध्यान से देखें तो जो हार्ट पंप करता है, जब हमारे बॉडी में हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, तो जो प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्सेशन के मोड में जाता है यानी रिलैक्स होता है, तो उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जहाँ तक सवाल ब्लड हाई ब्लड प्रेशर का है, ये बात भी सही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अगर हम साइंटिफिकली डेटा को देखें तो जो एट द एज ऑफ 45 वाले लोग हैं, खास करके पुरुषों में इन कंपैरिजन टू फीमेल, उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन एट द एज ऑफ 65 ये रेशियो रिवर्स हो जाता। साइंस ऐसा मानती है बाई द एज ऑफ 65 फीमेल का जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू मेल्स। ऐसा एस्टिमेट किया गया है USA में कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें 1/3 पॉपुलेशन जो है वो हम हाइपरटेंशन से सफ़र कर रही है। नाउ जहाँ तक नॉर्मल ब्लड प्रेशर का सवाल है, साइंटिफिकली आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 यानी 120 के नीचे होना चाहिए, और जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 के नीचे होना चाहिए यानी 80 के नीचे होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो आपका BP है वो 120/80 के नीचे होना चाहिए। अगर हम न्यू गाइडलाइन की बात करें तो जो पब्लिश किया है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, उसमें बोला गया है कि जो स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130-139 के बीच में रहता है, और अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80-89 के बीच में रहता है, तो इसका ये मतलब है कि आप स्टेज 1 हाइपरटेंशन में हैं। स्टेज 2 हाइपरटेंशन अगर हम बात करें सिस्टोलिक की, तो जो आपकी रीडिंग है वो 140/190 के ऊपर है तो आपका स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। आप स्टेज 2 हाइपरटेंशन की बिरादरी में आते हैं। वास्तव में ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन। नाउ ऐसा माना जाता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 180 के ऊपर है और डायस्टोलिक 120 के ऊपर है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपके हार्ट को कमज़ोर करेगा, आपकी किडनी को डैमेज करेगा, और वास्तव में आपके ब्रेन के स्ट्रोक का रिस्क खड़ा हो जाता है। इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। क्या होती है ये हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, क्यों होती है? अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू आदि का सेवन करते हैं, तो आपकी बॉडी में निकोटीन की मात्रा पहुंच रही है, ऐसे में आपके हार्ट की डिजीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर आप मोटे हैं, आपको ओबेसिटी है, आपका BMI ज़्यादा है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल सिडेंट्री है और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी आपको हार्ट डिजीज़ का चांसेस ज़्यादा है। अगर आप साल्ट ज़्यादा लेते हैं, एक नॉर्मल इंसान को 5 ग्राम साल्ट की ज़रूरत होती है इन अ डे, लेकिन अगर आप इस क्वांटिटी से ऊपर अपने खाने में नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हार्ट की और BP की प्रॉब्लम
बढ़ सकती है, बीपी का रेशियो आपके बढ़ सकता है। अगर आप अल्कोहलिक हैं, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, इन द सेंस आप अगर दो ड्रिंक से ज़्यादा लेते हैं रोज़, तो भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम का या हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी आपको रिस्क रहता है। जी हाँ, ये जेनेटिक भी है। तो इसलिए एट द एज ऑफ 45 अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम एक बार भी होती है तो आप उसको रेगुलर मॉनिटर करवाते रहें, ऐसा साइंस भी मानती है। रेगुलर मॉनिटरिंग के ही थ्रू और दवा के को हमेशा लेनी है, जो बीपी यानी ब्लड प्रेशर की जो दवा आपको चलेगी एट द एज ऑफ डेथ, आपको खाना है बीपी की दवा। ये नहीं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो आप दवा छोड़ दें, नहीं। ब्लड प्रेशर जब अपने पे आता है तो वो जान ले करके छोड़ता है, वो आपको या तो पैरालिसिस कर देगा या तो आपको ब्रेन हेमरेज कर देगा, ब्रेन डैमेज कर देगा, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ब्रेन स्ट्रोक का ख़तरा बढ़ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका ख़तरा बढ़ जाता है अगर आपको बीपी की दवा आपने मिस की या आपको बीपी है और आपको पता नहीं है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। स्टे फिट, स्टे सेफ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।